हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के 19वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह आपके और आपके बच्चे के शरीर में क्या क्या नए बदलाव होने वाले हैं, आप और आपके बच्चे के बीच में कैसी बॉन्डिंग होने वाली है, यहाँ तक कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह से, इन सब की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था में आपके बच्चे के विकास के बारे में। इस सप्ताह तक लगभग आपका बच्चा 6.5 इंच लंबा हो चुका है, जो कि एक छोटे से केले के आकार के बराबर है। इस सप्ताह के बाद ही आपके बच्चे को सिर से और पैर की उंगलियों तक मापा जा सकता है, क्योंकि बच्चे के पैर पहले 20 सप्ताह के दौरान मुड़े रहते हैं। आपके बच्चे को उलट पुलट होने और घूमने में अब मजा आ रहा है। आपकी खुशी का पिटारा अब बड़ा और मजबूत हो रहा है। इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण विकास प्रतिक्रिया कर रही हैं। मस्तिष्क में तंत्रिकाएं जो इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं, वह विकास कर रही हैं। जल्द ही वो स्पर्श को भी महसूस करने लगेगा। सुनना, स्वाद और स्पर्श की भावना विकसित होती जा रही है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के 19वें सप्ताह में आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में। अब तक आपने कम से कम 5 पाउंड वजन बढ़ा लिया होगा और प्रत्येक सप्ताह 1 या 2 पाउंड तक आपका वजन बढ़ने की उम्मीद भी होती है। सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा कि आप पर्याप्त मात्रा में लौह पदार्थ खा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करेगा। इस सप्ताह में पेट में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि आपका पेट बढ़ता जा रहा है या आपके गर्भ के प्रत्येक तरफ खिंचाव के कारण हो सकता है। बिस्तर पर बैठे या सोते समय असहजता भी महसूस हो सकती है, जिससे आपकी नींद में भी बाधा पड़ सकती है। अब आपको गर्भावस्था वाले विशेष तकिए खरीदने होंगे, क्योंकि वे रात में अच्छी रात की नींद पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्तनपान के लिए भी यह तकिया आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। जैसे ही आप गर्भावस्था के अगले सप्ताह तक पहुँचते हैं, आप यह भी देख सकते हैं कि आपके नाखून मजबूत हो गए हैं और आपके बालों का विकास सामान्य से ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। यह सब गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपको काफी ज्यादा भूख महसूस हो रही होगी। ऐसे में आपको काफी ज्यादा सोच समझकर खाने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका शरीर मतली और उल्टी वाले हफ्तों के बाद अब तक का अपना खोया हुआ पोषण तत्व पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपका बच्चा जल्द ही आपको आपके हाथों में मिलने वाला है, इसलिए धैर्य रखिएगा और कोई भी गतिविधि हो तो उससे घबराइएगा नहीं। तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात कीजिएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।